हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बिल सीरीज। आज ये एपिसोड हमारा मेनली जो है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर रहने वाला है, बट प्रीवियस जो हमारा चलता आ रहा है वो भी साथ साथ दिखाना ज़रूरी है काम। तो अभी हम लोग अपने जितने भी डोर लॉक्स थे, जितने भी एक्सेसरीज थी, उन सबको हम इंस्टॉल कर रहे थे। जितने भी हमारे जो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स थे, चाहे वो बाथरूम से रिलेटेड थे, चाहे वो इंटीरियर के एस्थेटिक से रिलेटेड थे, वो सब हमने धीरे धीरे इंस्टॉल करने स्टार्ट कर दिए थे। पेंटर का काम साथ साथ चलता रहा, जो सील उसने करना था वुड को, एंड साथ ही हमारे कारपेंटर जो हमारे स्पीकर्स थे, जहाँ जहाँ हमारे अंदर की प्लेसमेंट में आने थे, उसके हम लोगों ने टेम्पलेट्स एज पर हमारे स्पीकर की प्लेट्स हमारे पास थी, तो हमने उसके टेम्पलेट्स बना के और उनके होल गिरने शुरू कर दिए थे। साथ ही हम लोगों ने पीछे जो हमारे रेयर एंड में दोनों दरवाज़ों के अंदर हमने स्टोरेज स्पेस बनाई थी, उसकी हमें कवरिंग करनी थी, प्लस उसका जो हमें पल्ला बनाना था, एंड बाद में हमने उसके अंदर बटन वाले लॉक्स भी लगाए थे। टाइम आ गया था कि हम लोग अपना अंडरमाउंट सिंक जो है वो नीचे का जो हमारा काउंटर बना था उसमें हम इंस्टॉल कर दें। तभी हमारे इसके ऊपर जो हमने एपॉक्सी का टेबल तैयार करा था, काउंटर टॉप तैयार करा था, वो हम इस पर प्लेस कर सके, और हमारा जो इसके अंदर प्लम्बिंग का काम था वो बेसिकली फॉसेट लगाने का था, तो जिसकी वजह से हमें ये इंस्टॉल करना ज़रूरी था काउंटर टॉप। जबकि पेंटर का काम चल रहा था तो मैं नहीं चाहता था कि ये डैमेज हो, तो हमने इसको पूरी तरह न्यूज़पेपर से कवर कर दिया था। दोस्तों, बिल्ड सीरीज़ के दौरान बहुत पैसा लगता है, एंड हम लोगों ने कुछ पहले सस्ते जुगाड़ में सोचा था टैंक्स का, वो हमारी इन्वेस्टमेंट फेल हो गई थी एंड हमें फिर री इन्वेस्ट करना पड़ा था। तो ऐसा ही होता है जब आप बिल्ड करने लगते हैं, कुछ चीज़ें फेल होती हैं, कुछ चीज़ें पास होती हैं, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो हम लोग पहुँच गए थे अपने टैंक्स बनवाने के लिए, जो कि हमारे कस्टम मेड टैंक्स थे SS के, एंड जो हमारी अंडर चेसिस की जगह थी वो हमने एज पर टैंक्स हमारे क्लियर करके रखी थी, एंड उसकी डायमेंशन के हिसाब से हम लोगों ने अपने 4 टैंक तैयार करवाए, जो कि एक था ब्लैक का, एक था ग्रे का, एक था फ्रेश एंड दूसरा भी था फ्रेश। तो फ्रेश वाटर कैपेसिटी हम लोगों ने 210 लीटर की तैयार करी, एंड जो हमारे ग्रे एंड ब्लैक है वो एग्जैक्टली 80-80 लीटर्स के थे, बट उसकी यूजेज कैपेसिटी, बिकॉज मैन होल और अलग अलग कनेक्शन जब आप करते हैं तो उसकी जो एक वॉल होती है उस वॉल में ही आपको विद इन दैट एरिया, बिकॉज बार जारी होती है अंडर चेसिस, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो लगभग आधी रह जाती है। तो 40 लीटर्स है, जो कि स्टिल बहुत इनफ है, 3 दिन यूजेज आपको देती है वो। और आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक सेल्फ प्राइमिंग पंप लगाया था जो हमारे फ्रेश वाटर टैंक के साथ कनेक्टेड था, एंड वो इजीली हम लोगों को हमारी कैंपर वैन के अंदर पूरी सप्लाई दे देते हैं अंडर चेसिस से वाटर सक करके। एंड ऑल्सो हम लोगों का जो हॉट वाटर सर्विसेज है उसके लिए हमने 25 लीटर्स का इलेक्ट्रिक हीटर लगाया था, गीज़र लगाया था, एंड बहुत अच्छी उसकी कैपेसिटी है। हम लोगों ने एक गीज़र के साथ टाइमर का भी स्विच दिया है, ताकि यू नो तो लॉन्ग ऑन ना रह जाए या लोग ऑन करके भूल ना जाए। तो आपको अगर 15 मिनट का टाइमर लगाना है, आप 15 मिनट का टाइमर लगा के गीज़र को इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड
टोर्नेडोज मोमेंट ऑफ ट्रुथ, हम लोगों का जो टैंक्स थे वो सारे तैयार हो गए थे एंड उनका हमें वाटर लीकेज चेक करने का टाइम था एंड परफेक्टली हमारे किसी के अंदर भी दिक्कत नहीं आई थी। एक टैंक था जिसके अंदर हम लोग का कॉर्नर से पूरी तरह सील नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने उसको फिर से रीबिल्ड कर लिया था एंड रीचेक करके एंड वी वर ऑल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो हमारे कहीं से भी वाटर की लीकेज नहीं थी। हमारे दोनों ब्लैक एंड ग्रे वाटर टैंक्स के नीचे हम लोगों ने नाइफ वॉल लगाए थे सो दैट हम लोग इजीली जितना भी वेस्ट वाटर है वो डंप कर पाए। एंड एज सून एज हमारे चारों टैंक्स तैयार हुए, हम लोग रेडी थे उनको शिप करने के लिए हमारे गैराज में, क्योंकि वहीं पे इनकी इंस्टॉलेशन होनी थी। एंड ऑल्सो हम लोगों ने चारों टैंक्स के अंदर सेंसर्स लगाए थे जो कि हमें उनका वाटर लेवल बताते हैं हमारे गॉजेस के अंदर। साथ साथ हमारे फिनिशिंग का काम चलता रहा, हम लोगों के जितने भी कस्टम मेड हैंडल्स थे हमने उसके अंदर एक ग्रूविंग काटी थी, उसके अंदर हमने हैंड पेंट किया था पूरा ब्लैक से एंड कई जगह पे हम लोगों ने इस तरह की ग्रूविंग्स थ्रू आउट हमारी वैन में रखी थी, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं जितनी भी शेल्व्स हैं, जितने भी हमारी चिमनी के ऊपर की जगह थी सब में ग्रूविंग्स थी एंड सबके अंदर हम लोगों ने कस्टम हैंड पेंट किया था और बहुत ही अच्छा निखर के आया था ये सारा। एंड ये पेंटिंग मेरी सिस्टर ने लंदन से मेरे लिए भेजी थी, एज उसको दिख रहा था उसका भाई कितनी मेहनत कर रहा है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तो ये मैंने फाइनली अपनी कैंपर वैन के अंदर इंस्टॉल करवाई। और इस जगह पे हमारी फिश सुखानी थी जो भी डिलीवर नहीं हुई थी। एट दी एंड हम लोगों ने एक लैडर बनानी थी जो कि हमारे पॉप टॉप बेड के लिए यूज़ होनी थी, बट करंटली हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी हमने पाइन की कस्टम बनाई थी। एंड द रीज़न नॉट टू यूज़ दिस बिकॉज हम लोगों के पास ऑलरेडी एक पोर्टेबल लैडर है तो वो इसकी जगह ले चुकी है, तो देर वॉज नो पॉइंट टू कीप दिस इन द कैंपर वैन एनी मोर। हमारा कंटेंट आप लोगों को मोटिवेट करता होगा एंड आप लोग भी इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने की ड्रीम्स देखते होंगे एंड ट्रस्ट मी इट्स जस्ट वन स्टेप अवे। आप लोगों को झिझक निकाल के बस एक बार छलांग लगानी समुंदर में, गीले तो होंगे वो बात पक्की है, किनारा मिलेगा नहीं वो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छी तरह तैरना जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।